वेलकम, मैं हूं एंकर कनिष्का गोलर, आपका स्वागत करती हूं दिल्ली की पुरानी गलियों में। वेल दोस्तों, आज मैं आ चुकी हूं कहां पे, आज मैं आ चुकी हूं बहुत वंडरफुल सी प्लेस पे, जो है आज की डेट में दिल्ली वालों के लिए एक सेकंड होम। अब सेकंड होम कैसे बोल सकते हैं भाई, मेरे लिए सेकंड होम इसलिए क्योंकि मेरा एक पैर दिल्ली में और दूसरा पैर गुड़गांव में रहता है। तो राइट, मैं बात कर रही हूँ गुड़गांव की, और गुड़गांव के अंदर मैं आ चुकी हूँ विच इज़ द MG रोड। MG रोड सब जानते हैं, MG रोड के आसपास में एक तरफ इधर मॉल है, एक तरफ इधर मॉल है, मतलब टू मच हैपनिंग प्लेस। तो यहाँ पे आज मैं आपको दो ऐसी जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ पे आपको बेस्ट एंड वंडरफुल क्वालिटी के मोमोज मिलने वाले हैं। अब मोमोज, लोगों ने बहुत सारी मोमोज के पीछे अफवाह बना रखी है, मोमोज यहाँ से आए हैं, मोमोज वहाँ से आए हैं, मोमोज यहाँ के हैं, मोमोज ऐसे होते हैं, मोमोज वैसे होते हैं, और लोगों ने बहुत इनोवेशन भी किया है उस मोमोज पे। तो यहाँ के कुछ दो इनोवेशन जो मैंने दिल्ली के अंदर कहीं नहीं खाए, और आई मस्ट से कि जो गुड़गांव में खाए हैं वो गुड़गांव जैसी क्वालिटी, वो गुड़गांव जैसा टेस्ट वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा दूर जाकर, दिल्ली से थोड़ा सा बाहर जाकर, दिल्ली की पुरानी गलियां दोबारा से ढूंढते हैं वहाँ पे मोमोज के बहुत बेहतरीन ऑप्शन। तो आपको पहले लेकर चलूंगी फेस 1 गुड़गांव के अंदर एंड फेस 2 के अंदर। तो दोनों जगह आसपास में ही है, बहुत नियर बाय है, और चलते हैं यार, चलते चलते बताती हूँ फिर क्या है कहानी, मोमोज कहाँ से आए थे वो भी बताना है। जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लजीज मोमोज मिलते हैं विद वंडरफुल चटनी। मैं चटनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ बिकॉज ऐसी चटनी जो आप यहाँ मिलने वाली है ना वो आपने कहीं नहीं खाई होगी, आई एम डैम श्योर, शर्त लगा लेते हैं इस बार। तो अब आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे उस प्लेस के लिए, और थोड़ा शॉपिंग मॉल भी घुमा देते हैं, देन वो वंडरफुल सा सरप्राइज आप खुद के सामने भी कराएं। सारी सर्विंग्स देखी है, बहुत सारे डिप देखी है, मोमोज के साथ में लोग मेयोनीज के साथ देते हैं, कोई रेड के साथ सर्व करता है, कोई किसी चीज़ के साथ सर्व करता है, कोई सूप के साथ सर्व करता है, सबका अपना अपना तरीका है। बट ये नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, इन्होंने इस बार इनोवेशन में बिल्कुल लठ गाड़ दिए। अब ये लठ गाड़ने कैसे, क्योंकि इनोवेशन इनका ये चटनी बहुत डिफरेंट आ गई है, ये चटनी लेकर आए हैं मूंगफली की चटनी, जितना मुझे पता है, बाकी इनसे जानते हैं कि कैसे बनाया है और टेस्ट करके आपको जरूर बताने वाले हैं। तो चलो उनके पास चलते हैं। इसके पीछे ज़्यादा तो कुछ नहीं था, ये हम बाहर से आए हैं, सब जॉब के लिए आए थे हम लोग, तो सोचा प्लान जैसे चौमिन वोमिन ये रखने लगे रोल, हाँ, एक रोल, हाँ, तो हमारे दिमाग में आया कि जो वहाँ की जो काट की चीज़ है, हाँ, थोड़ा सा हम अपने करके उसको यहाँ चलाया क्यों ना जाए, हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये सोच के मैंने इस पर थोड़ा चलाया और थोड़ी बहुत सक्सेसफुल भी हो गई। अच्छा, तो इसके बाद अच्छा चल रहा है, ये हमारे चटनी बहुत फेमस है, बहुत लोग दूर से आते हैं। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं दिल्ली के पता नहीं किस कोने से आई हूँ यहाँ के स्पेशल मोमोज चखने के लिए, और इन्होंने इतना इनोवेटिव बनाया है, यहाँ पे सभी से रिव्यूज भी लेंगे कि पहले एक बार ये मोमोज टेस्ट कर लेते हैं और मैं अपना रिव्यू जरूर बता देती हूँ आपको। मोमोज और इसकी चटनी वैसे दोनों सर्व करती है साथ में, और स्पेशल इसकी पीनट वाली चटनी है, जैसे उन्होंने बताया कि ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोग हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, तो एक्सपेरिमेंट ये है, और इसे टेस्ट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट को जल्दी से, देन मुझे दूसरी जगह भी लेकर जाना है ना, छोटा टाइम है और छोटे टाइम में जल्दी सारी चीज़ें खबर कर दी। We'll be right back.
ठंडा गर्मी खाए बट आपको मुंह जला सकते हैं जैसे मेरा जला है। वैसे मैंने मोमोज को टेस्ट कर लिया है एंड चटनी वॉज अमेजिंग। सीरियसली इतनी सारी चटनियाँ टेस्ट करने के बाद में, इतना सब कुछ खाने के बाद में जब ये खा दे तो ये माउथ वाटरिंग है, साथ साथ में मुंह का टेस्ट चेंज करने वाली चीज़ें हैं। और ये मैं खासतौर से उनको भी बोल सकती हूँ जो लोग सोचते हैं कि मोमोज के अंदर कुछ नहीं मिलता है या फिर कुछ भी है, मोमोज तो ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, वैसे ही बनाते हैं। कुछ अच्छी जगह खाकर देखिए, आपका शायद ये परसेप्शन जो है, आपके दिमाग का ये तरीका जो है, सोचने का तरीका बदल जाएगा। कुछ अच्छी चीज़ें अच्छी जगह वाली, मैं चाह रहा इसे मैं खा लेती हूँ, उसके बाद में रिव्यू की तरफ चलते हैं और फिर दूसरी जगह। पानी ना आए ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, तो उसके मुँह में 110% पानी आ जाता है कि जब मैं खाती हूँ, देन ये वाला फील है ना अमेजिंग होता है। अच्छा, इस मोमोज की एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आप कभी आते हो गुड़गांव फेस वन की तरफ में तो जरूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि किसी ब्रांड की तरफ मूव करा जाए। अरे भाई चाहिए थोड़ा स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह, स्ट्रीट वगैरह में घूमिए और फेस वन के अंदर ये शॉपिंग मॉल आए तो ये छोटी सी दुकान है, इस दुकान पे आकर ये मोमोज खाएं और कुछ न्यू चीज ट्राई करें। शायद मोमोज की तरफ से आपका परसेप्शन जो है वो गलत परसेप्शन हट जाएगा कि मोमोज की चटनी हर कोई सेम बनाता है। सेम नहीं होती हर जगह की, बहुत अलग तरीका होता है और इतना वंडरफुल लगा है मुझे। तो ये तो मेरी राय थी तो मैं इसे 5 में से देना चाहूंगी 4.5। अभी 0.5 का आप चक्कर मत सोचना कि 0.5 क्यों मैंने काट लिए, काटे मैंने किसी वजह से नहीं, आज मेरा वेज डे है तो इसलिए मैंने खुद के लिए काट लिया 0.5। उसके नॉन वेज मोमोज बहुत अच्छे हैं, अब वो ट्राई कर सकते हैं, मैंने वेज ट्राई करे हैं और बाकी सबसे अभी रिव्यू लेके मैंने खा चुकी हूँ, अब ऐसे लेने की बारी हूँ और फिर रिव्यूज की तरफ आपको चलती हूँ, फिर दूसरी जगह लेके चलती हूँ। बहुत कम टाइम है, हाँ जी प्लीज खाते रहते हैं एंड इसी में जानना चाहूंगी कि मोमोज कैसे लगे और जैसे स्पेशली इनकी चटनी है, चटनी कैसी लगी है? हेल्थ इट Hi, my name is Gandhar. So I come here regularly for having momos. Inke chicken momos are very good and especially the chutney. Aur time to time matlab main yahan prefer karta hu ki main yahi aake momos khaun. So kya rating dena chahenge inke momos? I think out of 5 I will rate it at 4.5 and that is the best rating that you can get. Yeah, five thank is you. Ideal. 5 is ideal. Okay, thank you so much. Thank you. में मैंने आपको बताया था कि जो मेरी वीडियो रिकमेंड करेगा मेरी वीडियो में जरूर आएगा, तो ये फाइनली लकी चांस इनको मिल चुका है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कैसा लगा? मुझे मोमोज बहुत अच्छे लगे हैं और सच में यहाँ की जो चटनी है, मूंगफली की चटनी के साथ मोमोज खाने का स्वाद ही लगा। भाई फ्राइड नहीं है और कुछ ऐसा मतलब नहीं है, बटर के अंदर बनाते हैं बढ़िया वाले मोमोज बटर के अंदर। और खा के पैसे दुखेंगे नहीं आपके, आप खाइए। 20 रुपए में क्या दुखेगा यार, 20 रुपए में 6 मोमोज एंड वेरी वंडरफुल। तो चलते हैं दूसरी जगह, है ना, दूसरी जगह भी इन्होंने रेकमेंड करी है तो चलते हैं दूसरी जगह, वहाँ के मोमोज भी बहुत अच्छे है। दोस्तों फाइनली मैं आ गई हूँ दूसरी जगह पे, मेरा गाना गाने का मन कर रहा था बट मैं नहीं गा रही हूँ, तो चलो मैं आपको दूसरी जगह के बारे में बता देती हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि गुड़गांव के दो बेस्ट प्लेसेस है, जिसके अंदर ये सेकंड प्लेस है जहाँ पे बहुत ही लजीज तंदूरी मोमोज मिलते हैं। अब इनकी स्पेशलिटी है तंदूरी, मैंने बोला है ना ये नॉर्थ ईस्ट वाले लोग बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं भाई, ये लोग बता रहे क्या चीज को क्या बना देते हैं। और अपना इंडिया भी ऐसा ही है, अपना इंडिया कम थोड़ी है, हर चीज में इनोवेशन और तड़का वड़का मार के चीजों को बिल्कुल बढ़िया कर देता है। तो मोमोज भी ऐसे ही है, बस साधारण सी चीज को तंदूरी वाला बना दिया है। और ये जो जगह है ये है सहारा मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट, रोड क्रॉस करने के रोड क्रॉस करते के साथ ही आपको जगह मिल जाएगी फेस वन हम होकर आ गए हैं, ये मेरी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, माफ कीजिएगा। और फेस टू के अंदर है यहाँ पे एक चीज की स्पेशलिटी है, डिमसम जिसे बोलते हैं मोमोज, और कुछ लोग अलग भी बोलते हैं ऐसे। तो ये जो मोमोज है ये नेपाल से चाइना, सॉरी चाइना से नेपाल और नेपाल से
हिमाचल और हिमाचल से दिल्ली में ऐसे एंटर हुए हैं और दिल्ली वालों के दिल में बहुत ज़्यादा अच्छी जगह लग चुके हैं। अब यहाँ की स्पेशल बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत अच्छी जगह है और तंदूर की बहुत ज़्यादा खास है, चिकन और वेजिटेरियन। तो लेकर चलते हैं पहले उनके पास में, नहीं जिनकी स्कूटी है वो आ गए हैं। तो फाइनली अपने माँ को लेकर चलती हूँ आपको, जो मैंने इतनी सारी कहानी बता दी आपको कि कहाँ कहाँ से ये आए हैं उतर उतर के मोमोज। अब ये दूसरी जगह है तंदूरी मोमोज की। अब इन मोमोज वाले भैया का नाम तो मुझे नहीं पता, बट मैं इस जगह पे पिछले 3 साल से लगातार खा रही हूँ। मतलब तो लगातार नहीं खाती हूँ, कभी कभी आती हूँ और कभी कभार खाती हूँ। तो आपको वहाँ लेकर चलती हूँ तंदूरी मोमोज के पास में। और इनकी तो स्पेशलिटी है जो तंदूर में गुर्गा देते हैं, सामने से बारबेक्यू गुर्गा देते हैं उसे। लेकर चलते हैं आपको वहाँ पे खाने के लिए। इंसान की जिंदगी सिर्फ एक चीज है, खाओ और जियो, खाओ और जियो, मतलब मर जाओ। चलो आ जाओ। सो ये मैं आ चुकी हूँ वहीं पे जो जगह थी। तो ये दुकान का जो शॉप का नाम है, ये छोटा सा स्टॉल है, इसका नाम है विशाल मोमोज। 3 लोग मिलकर चलाते हैं इसे और विशाल जी भी है जो मेन इस शॉप के ओनर है, जिनके इनोवेटिव आइडिया था कि तंदूरी मोमोज लेकर आया जाए। अब दिल्ली के अंदर तो भाई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे तंदूरी मोमोज आपको सर्व किया जाए, और होगी भी तो नहीं मुझे तो अभी पता। पर इस जगह को मैंने जहाँ मोमोज खाए हैं जब से, तो बहुत लजीज है। ये तो ये जो लोग हैं ये 3 चीजें सर्व करते हैं। स्टीम मोमोज सबने सुना है, फ्राइड मोमोज सबने सुना है, अब ये कर रहे हैं तंदूरी मोमोज सर्व। तंदूर के अंदर उस मोमोज को ग्रिल कर आपको दिए जा रहे हैं विद चटनी एंड प्याज। क्या स्वाद है। तो लेकर पहले उनसे लेते हैं और फिर आपको उनके ऑनर से मिलवाएंगे। और भाई यहाँ पे भीड़ देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि कितनी यहाँ की फैन फॉलोइंग है। ऑफिस प्लेसेस वाले लोग यहाँ आते हैं, जॉब वाले यहाँ आते हैं, रेजिडेंट्स यहाँ आते हैं, और शाम के टाइम में ऑलमोस्ट भीड़ रहती है, ऑलमोस्ट भीड़ रहती है। जब भी मैं आती हूँ हमेशा भीड़ देखे। तो दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन ईट तंदूरी मोमोज। तो लेकर चलती हूँ आपको खाने के लिए, मुझे खाना है, आ जाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इनके विशाल मोमोज के ऑनर से मिलवाऊंगी, तो हमारे बीच में है। तो वो पूछ रहे थे कहाँ से हैं आप? हाँ जी, मैं नेपाल से। नेपाल से आप, और आपका नाम? मेरा विशाल। विशाल आप ही है, विशाल ये ही है, इनके नाम से ही मोमोज की शॉप है। अच्छा, तो बहुत सारे लोग स्टीम फ्राइड मोमोज सर्व करते हैं, आपके दिल में क्या इनोवेटिव आया कि आपने तंदूरी मोमोज सर्व करने का वो सोचा? मैडम ये लोगों के डिमांड ये है, मतलब ये कहीं कनॉट प्लेस में मिलते हैं गेरे। अच्छा। फिर मैंने ऐसे पता, मतलब अपने मन में ये लगाया कि मैं भी ऐसे ग्रिल करके दूँ। अच्छा, ऐसे ही ट्राई करके देखे। हाँ, और ट्राई करा और चल गया? हाँ चल गया मैडम। तो मतलब अधिकतर जैसे मैं आती हूँ, मैं खुद ही देखती हूँ कि यहाँ पे स्टीम मोमोज का थोड़ा कम रेशो है और तंदूरी का ज्यादा होता है। हाँ जी, हाँ जी मैडम। तो कितने टाइम से रन कर रहे हैं यहाँ पे ये? मैडम मैं पहले ये मार्केट के अंदर था। अच्छा। उसमें मतलब 2001 से हूँ, मतलब ये मार्केट में तो मैं, हाँ, मतलब 20 साल के करीब हो गया। 20 years, मतलब बहुत छोटे होंगे शायद तब से आपने शुरू करा था। हाँ जी, हाँ जी। बहुत छोटे से 20 साल दे दिए मोमोज की लाइन में। 20 साल पहले तो मैंने मोमोज सुने ही नहीं थे। हाँ, क्या होता है क्या नहीं। तो मुश्किल था मैडम, मतलब लोगों को समझाना कि क्या चीज है ये, कहाँ से आए, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत मुश्किल से समझाता। फिर उसके बाद खाने की बात आ रही है, बहुत बढ़िया है ये, तो कहाँ से धीरे धीरे मतलब बढ़ते गया, मतलब ऐसे हो गया। तो आप जो स्पेशल तंदूरी मोमोज बनाते हैं, हमें वेज करवाने हैं, वेज खाने हैं मोमोज, आप देखते हैं ये अपने तरीके से क्या हमें वेज तंदूरी बनाकर देते हैं जो सच में बाकी के हमारी ऑडियंस को अच्छा लगे। ओके ओके। तो कुछ अब इनोवेटिव बनाकर खिलाने वाले आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब देखते हैं, जाते हैं विशाल जी और कुछ इनोवेटिव मोमोज तंदूरी वाले बनाकर लेकर आएंगे हमारे लिए। अच्छा सा लुक आ रहा है इसका, जैसे ये बहुत अच्छे से ग्रिल्ड हो रखे हैं, बहुत अच्छे से तंदूर हो रखे हैं और क्रिस्पनेस भी बनी हुई है इसकी।
और दौड़ कर क्या है कि जो मैदा है ये लोग जब यूज करते हैं इसे जब ग्रिल करते हैं तो ग्रिल करते टाइम पे 3-4 बार ऑलरेडी ग्रिल कर चुके होते हैं सर्व करने से पहले पर मैं ये डिप्स है इसकी ये 3-4 डिप्स दे रखी है मेयोनी एंड ये अदर वन ये दूसरी भैया ये चटनी कौन सी ये वाली भैया विशाल भैया ये दूसरी वाली चटनी कौन सी है ये पीनट वाला है मैडम हाँ ये ग्रीन चिल्ली एंड टमाटोस और ये रेड चिल्ली टमाटोस ये कुक्ड है अच्छा और ये मॉइन ये मेयोनीज है ठीक है तो ये सब होममेड है ये सारी चीजें अभी हमने पीनट चटनी खाई थी वो पीनट चटनी अलग थी और इस चटनी का भी टेस्ट नहीं है बट मैं आई हूँ ना ट्राई अरे ये तो हो गया क्रिस्प गिर गया ये दोनों को मिक्स करके खाकर देख लेते हैं एक बार कि हाउ इज द टेस्ट पहली बार पूरा मोमो मैंने एक बार में इकट्ठा खाया है और आप देख पा रहे हैं जब खाओ तो मुंह गंदा होने की टेंशन नहीं लेनी है एक्चुअली में असली खाना उसे ही बोलते हैं जब खाते टाइम पे मुंह गंदा हो जाए नौ ये प्याज बहुत अच्छा टेस्ट है कि मेयोनीज यानी कि मलाई विद प्याज विद चटनी एंड विद मोमोज ऊपर से नींबू डाल के दिस इज़ द वेरी अमेजिंग टेस्ट जो मुझे पता चला फीलिंग बहुत अच्छी है कच्चा पन नहीं लग रहा है मोमोज में वो सब स्पाइसनेस है जो बाकी सभी चीज़ों में होती है तो आई थॉट कि ये बहुत अच्छी जगह है और अच्छी प्लेस है और अच्छी चीज़ है खाने के लिए कभी फेस टू आना हो तो बहुत ईजी वे है या तो फेस वन या फिर फेस टू बहुत नियर पड़ेगा आपको और फेस वन के लिए आपको फेस वन की तरफ जाना पड़ेगा तो ये प्लेस से पहले मैं खा लेती हूँ फिर रिव्यूज़ की तरफ चलते हैं और मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ इस मोमोज को यहाँ पे एक पर्सन है जो यहाँ फरीदाबाद से यहाँ पे वर्क प्लेस है बट मोमोज जरूर खाते हैं आगे और मैं पूछना चाहूँगी कैसे लगे इनके मोमोज तंदूरी मोमोज स्पेशली तो क्या रेटिंग देना चाहेंगे आई से 2.5 सर इसके लिए थोड़ा सा रोड क्या होगा वहीं की गलती नहीं होती बाद मिलते हैं सरलाइन को तो फिर 5.5 या राइट 4.5 तो रेटिंग और जैसे इन्होंने बताया है कि तंदूरी मोमोज इज द बेस्ट वन थैंक यू सो मच एंड वी हैव अदर वन पर्सन जिससे और मैं पूछना चाहूँगी ये भी तंदूरी मोमोज ही खा रहे हैं कैसे लगेंगे मोमोज इनके ये तंदूरी सबसे बेस्ट है मेरा ऑफिस नज़दीक है जे एम तो हमारे सारा स्टाफ यहीं आता है स्पेशल ये स्पेशल यहीं आता है क्योंकि इसके अलावा ये बैक साइड में मॉल है तो उसमें भी इतने बढ़िया नहीं मिलते जहाँ पर इतने बढ़िया मिलते मतलब यू बिलीव कि मॉल्स के अंदर ब्रांड्स के अलावा स्ट्रीट फूड इज वेरी मच गुड वेरी गुड इनकी क्वालिटी अच्छी है और स्पेशली इसमें तंदूरी में तो क्या रेटिंग देना चाहेंगे 5 में से 5 हो वेरी गुड 5 में से 5 इनको रेटिंग मिलते हैं एंड थैंक यू सो मच अब आप बताओ मैं थोड़ा खिसक कर आ गया आगे मैंने मोमोज खाए तंदूरी स्टीम खाए चटनियाँ खाई अलग अलग तरीके की रेटिंग्स भी ये दिए सब कुछ बदल लग अब आना कैसे है यहाँ पे आप मेट्रो पकड़ सकते हैं किसी भी मेट्रो स्टेशन से और एमजी रोड उतर सकते हैं एमजी रोड उतरेंगे तो आप फेस टू बहुत नियर है सहारा मॉल के पास में बहुत वॉकिंग डिस्टेंस आप जा सकते हैं फेस टू वाले मोमोज के लिए और फेस वन वाले मोमोज के लिए आपको जाना पड़ेगा फेस वन को जाना पड़ेगा और वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं वहाँ से वहाँ से वॉकिंग तो दोनों जगह आस पास में है
आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट भी बोलना चाहती हूँ, अगर आप भी कुछ ऐसी जगह जानते हैं जहाँ पे आपने आपका वीडियो बनाओ और बहुत अच्छा टेस्ट है बट इतना नेम फेम नहीं मिल पा रहा है, लोग आते हैं खाते हैं बट नहीं आ पा रहे, कोई जानता नहीं है, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं जाती हूँ वहाँ पे, मैं वहाँ जाकर कवर करूँगी। और अगर आप मुझे ये बात बताएंगे तो मैं आपको भी अपने साथ अपनी वीडियो में लूँगी, जैसे कि मैंने पिछले दो वीडियोज में करा है। तो आई मस्ट श्योर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और क्या करना है भाई, दिल्ली की गलियाँ है जो हमारी, दिल्ली की गलियों में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है और वो टेस्ट बरकरार रखते हैं। मैं जाती हूँ यार, आज थोड़ा मोमो ज़्यादा खा लिया है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी बारी है। आप वही बताऊँगी मैं कहाँ से खाऊँगी, मैं जा रही हूँ। बाय, सब्सक्राइब कर देना।